हम आए हैं अपने चैनल पर एक स्पेशल डिश लेकर जिसका नाम है शाही चिकन कोरमा। इसके लिए मैंने लिया है चिकन 350 ग्राम्स। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने चिकन लिया है बोनलेस एंड अलोंग विद दैट लेग पीसेस लिए हुए हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पर सूखे मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून शाजीरा, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, देन 1 टीस्पून काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। और यहाँ पर सूखे मसाले में मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच, देन 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया हुआ है, जो 1 कप दही है 250 ml। और यहाँ पर मैंने काजू का ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। इस काजू के पेस्ट को मैंने 30 से 40 काजुओं को पानी में भिगोकर इसका पेस्ट रेडी कर दिया है, या वरना आप अंदाजे से 1 मुट्ठी भर अपनी काजू डाल सकते हैं भिगोने के लिए, अगर आपको 30-40 काजू नहीं डालेंगे तो। और यहाँ पर मैंने ऑनियन पेस्ट बनाया हुआ है। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की ऑनियन ली थी, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर कर तेल में फ्राई कर कर ठंडे होने पर इस तरीके से बिना पानी डाले हुए पेस्ट बना कर रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने केवड़ा एसेंस लिया हुआ है 2 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी केसर ऑलरेडी पानी में भिगो कर रखी हुई है कलर आने के लिए। तो चलिए हमारे रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक पैन रख दिया एक स्टोव पर, तो इसमें अब मैं हीट होने के बाद में 3 से 4 टेबलस्पून थोड़ा सा घी मेल्ट होकर हल्का सा गर्म होने के बाद मैं इसमें अपने सारे साबुत मसाले डालूंगी, फिर 2 छोटी इलायची डालूंगी, 4 लौंग, 4 जीरा, 4 काली मिर्च। तो आप देख सकेंगे इस तरीके से सारे मसालों को थोड़ा सा हल्का सा भून लें। अब इसमें जाएगी हमारी हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3। अब इसका नाम खोरमा है तो इसमें हम लोग लाल मिर्ची नहीं यूज़ करेंगे, ये करी हमारी काली मिर्च और हरी मिर्च से बनेगी, ये बिल्कुल वाइट रहेगी। जब थोड़ी सी हल्की सी सारे मसाले हमारे सूखे पक गए हैं, हल्का सा हमने थोड़ा सा हिला दिया था उसको, स्टोर कर दिया था। अब इसमें डलेगा हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और थोड़ा सा धीमी आंच पर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा हल्का सा पक चुका है। अब इसमें हम लोग दही डालेंगे,
मैं यहाँ पर इस मसाले में 1 कप दही डाल रही हूँ जो 250 ml है। अब इसको दही को हम लोग सारे मसालों में मिक्स कर देंगे और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि हमारा दही नीचे से चिपक ना जाए। थोड़ी सी धीमी आंच कर लें। फ्लेम मीडियम पर रख दीजिए और इस तरीके से हिलाते रहिए ताकि दही में जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए और हमारा दही चिपके ना। जब तक हमें थिक पेस्ट नहीं मिलता है हमें दही को इसी तरह से पकाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक्सेस पानी दही ने ड्रेन कर लिया है। अब हम इसमें हमारा चिकन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा फ्लेम सिम कर अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दही के मिक्सचर में। चम्मच हिलाकर अच्छी तरीके से इसको थोड़ी देर दही में पका लेंगे 1-2 मिनट्स। थोड़ा हाई कर लेंगे फ्लेम। अब इसमें डालेंगे हमारे सारे सूखे मसाले। जैसे मैंने बताया था आपको, इसमें डलेगा अपना नमक, वन टीस्पून या सॉल्ट टू टेस्ट, एंड देन धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। तो अब सारे सूखे मसाले को और हमारे दही को चिकन को अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर देंगे। और थोड़ी देर पकाएंगे इसको इस दही के मिक्सचर में चिकन को। हमें इस तरीके से चिकन को स्टर करते हुए 1-5 मिनट्स के लिए पकाना है धीमी आंच पर ताकि सारा मसाला इस पर लग जाए। अब देख सकते हैं कि दही ने चिकन को अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, 1 ग्लास पानी डालेंगे, ठीक है, और कवर लिड क्लोज 1 से 2 ग्लास पानी डाल देंगे और लिड क्लोज करके 5 मिनट्स के लिए पका देंगे मीडियम फ्लेम पर। 20 से 25 मिनट के बाद में अपनी चिकन को चेक कर लेते हैं। इन बिटवीन हम चेक करते ही रहे थे उसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना चिकन पूरी तरीके से गल चुका है। अब हमारा रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग इस चिकन के पीसेस को गैस ऑफ कर देते हैं। तो इस चिकन के पीसेस को हम लोग सेपरेट करेंगे ग्रेवी से फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ओनली द पीसेस हम लोग सेपरेट कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने पीसेस को सेपरेट कर चुकी हूँ ग्रेवी से। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इस ग्रेवी को हम लोग छान लेंगे। कि मैंने यहाँ पर चिकन पीसेस को सेपरेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक बोल लेकर एक छन्नी के मदद से ग्रेवी को छान लूँगी।
सकते हैं मैंने इसको फिल्टर कर लिया है, छान लिया है ग्रेवी को। तो ये जो है मसाले एंड दो वेस्ट पार्ट, इसको आप साइड में रख दीजिए, ये अब यूज़ नहीं होगा। अब हमारे पास इतना सा स्टॉक निकला हुआ है, जो मैंने 2 ग्लास पानी डाला हुआ था उसका मुझे 1 ग्लास स्टॉक मिल गया है। तो इस स्टॉक में मैं और 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी, 1 ग्लास लगभग 1 ग्लास डाल दीजिए, काफ़ी हो जाएगा। अब हमारी ग्रेवी को थिक करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी ऑनियन पेस्ट, जो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ था। तो इसको अब मैं ग्रेवी में डालूँगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप, मैं वो ऑनियन पेस्ट डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अपने स्टॉक में, ग्रेवी में। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ऑनियन पेस्ट को ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब इसमें डलेगा हमारा काजू का पेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। अब इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के अंदर। मेन पर्पस ऑनियन पेस्ट एंड काजू का पेस्ट डालने से हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक सी बन जाएगी। और ऑनियन पेस्ट अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद चिकन को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ग्रेवी में। अब नेक्स्ट डलेगा हमारा केवड़ा वाटर, केवड़ा एसेंस 2 स्पून, एंड मैंने यहाँ पर लिया हुआ था केसर, जिसको मैंने ऑलरेडी पानी में भिगो कर रखा हुआ था आधे घंटे तक, ये डलेगा। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर कर एक बॉइल ले लेंगे। इस तरीके से हमारी ग्रेवी पककर रेडी हो चुकी है। चलिए अब इसको गार्निश करते हैं सर्व करने के लिए। ये लीजिए हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है, शाही चिकन कौरमा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।